स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स यानी कि हमको ब्लैंक्स भरने, द फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर इज डैश, यानी कि फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर कितना होता है? 2। द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2, ठीक है। द नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट इज 1, वो नंबर जो कि ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो हमें वो नंबर बताना जो कि ना तो प्राइम है नोर कंपोजिट, वो कौन सा है? 1, ठीक है। और प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से और 1 से मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, वो हमारे होते हैं प्राइम नंबर। ये देखिए, नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और वो अपने आप से जब डिवाइड हो जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाए वो। द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर इज 4, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है वो कौन सा होता है? 4। ऑल नंबर एक्सेप्ट 2 आर डैश नंबर, 2 को छोड़कर सभी नंबर इवन नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं। राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 50, यानी कि हमें सभी प्राइम नंबर लिखने हैं जो कि 30 जो कि 30 से कम है, ठीक है। ऑल प्राइम नंबर लेस देन 30 आर 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 23, 29, ये हमारे सभी प्राइम नंबर हैं जो कि 30 से कम हैं। राइट ऑल कंपोजिट नंबर बिटवीन 15 एंड 13, हमें सभी कंपोजिट नंबर लिखने हैं जो कि 15 और 30 के बीच में आएंगे। तो कौन कौन से हैं? 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, ठीक है, सभी कंपोजिट नंबर है जो कि 15 और 30 के बीच में लाई करते हैं, ओके।